हाउ टू इंस्टॉल प्राइम ओएस, ये दोस्तों ये जो कमेंट है बहुत सारे लोगों ने किया था क्योंकि प्रोनिक्स ओएस सबके कंप्यूटर में वर्क नहीं किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप प्राइम ओएस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना कंप्यूटर में पबजी मोबाइल या फिर दूसरे सारे गेम्स को खेल सकते हैं स्मूथली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप प्राइम ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों प्राइम ओएस को इंस्टॉल करने से पहले कुछ बात का आपको ध्यान रखना होगा। पहला तो ये आपका इंटरनल हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल होना चाहिए, कोई भी यूएसबी स्टिक या फिर कुछ काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपका जो लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का जो ड्राइवर्स है उसको वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लेगेसी एनेबल है तो उसको डिसेबल करना होगा, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आप ध्यान से देखिए और मैं सारे स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम अनिल आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नीड फ्लैप। विदाउट फर्दर एनी टू लेट्स गेट इनटू इट। प्राइम ओएस को डाउनलोड करने के लिए आप primeos.in पर आ सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, ठीक है। लिंक पर आने के बाद यहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड प्राइम ओएस का ऑप्शन है, तो इस पर जाते हैं। जाने के बाद हम इस पर सिलेक्ट करेंगे ea.exe फाइल को। तो आपका ओएस जितना बिट का है उतना बिट का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरा जो ओएस है वो है 64 बिट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा 64 बिट का सेटअप। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना होगा, यहाँ पर मिरर्स लिंक सर्च होगा। ओके, तो ये पहला वाला जो प्राइमरी डाउनलोड है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके, तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.08 GB का सेटअप है, तो इसको डाउनलोड स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने प्राइम ओएस का जो सेटअप है अभी इसको डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली ऑन कीजिए। ओके, तो इसके बाद इसको करते हैं यस। उसके ओके, तो दोस्तों अभी प्राइम ओएस का इंस्टॉलर जो पेज है वो आ गया है। यहाँ पर दोस्तों एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर जो ईए फाइल लिखा है या फिर यहाँ पर कुछ और लिखा होगा यूईए फाइल ये लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि ये इंस्टॉल हो जाएगा और सक्सेसफुली ऑन भी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई लेगेसी ऑप्शन आया कुछ इस तरीके से तो ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली नहीं होगा। तो आपको पहले लेगेसी को ऑफ करना होगा और लेगेसी को ऑफ करने का जो प्रोसेस है मैं अभी दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो लेगेसी सपोर्ट को ऑफ करने के लिए आप पहले अपने जो बायोस है उस पर चले जाइए। अगर आपको नहीं पता है कि आप बायोस में कैसे जाए और उसको सेटिंग करें तो आप ये इंस्टॉलेशन को छोड़ दीजिए क्योंकि आप इसको नहीं कर सकते। और अगर आपको पता है बायोस क्या है उसमें कैसे सेटिंग करना है तो आ जाइए उसके बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप जाइए बूट ऑप्शन पर, अपने बायोस के बूट ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लेगेसी सपोर्ट जो एनेबल है, तो इसको आप सबसे पहले डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद कर दीजिए यस। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योर बूट है इसको आप कर दीजिए डिसेबल। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ओके, नॉर्मली मेरा सेव होता है F10 से, तो मैं इसको F10 से सेव करता हूँ। उसके बाद करता हूँ यस पे ओके। तभी ये लेगेसी ऑफ हो चुका है इसमें। ओके दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे लेगेसी को ऑफ करते हैं। और अगर आपका बायोस में लेगेसी ऑप्शन नहीं है तो आप ये इंस्टॉलेशन को छोड़ दीजिए क्योंकि ये इंस्टॉल एरर आ जाएगा अगर यहाँ पर लेगेसी हुआ तो। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा EFI है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये EFI है, इसका मतलब मेरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद करते हैं इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देना होगा स्टोरेज। यहाँ पर आप मिनिमम 10 GB का स्टोरेज सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 10,000, मिनिमम 10 GB क्योंकि हम इस पर पबजी मोबाइल को खेलने वाले हैं। मैं 10 GB इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पबजी मोबाइल का जो सेटअप है वही सिर्फ 1.5 GB का है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपना ड्राइव। तो मेरा सी ड्राइव इतना स्पेस नहीं है तो मैं इसको डी ड्राइव सिलेक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि डी ड्राइव पर 396 GB अभी फ्री है। तो ये जो 396 GB है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो 369 GB जो फ्री है यहाँ से 10 GB माइनस होकर एक अलग पार्टीशन ये क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली।
तो यहाँ पर मैंने 10 GB सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद करते हैं स्टार्ट, उसके बाद करते हैं ओके। तो अभी ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ होगा सब ऑटोमेटिक होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 10 GB का अलग पार्टीशन हो चुका है, यहाँ से 10 GB माइनस हो चुका है और यहाँ पर एक 10 GB का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। और ये जो 10 GB का पार्टीशन है यहाँ पर ही ये OS इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर इस ड्राइव और या फिर आपका जो सी ड्राइव या फिर जो पर्सनल डेटा जो ड्राइव है वहाँ से कोई भी डाटा लूज़ नहीं होगा, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ये ड्राइव आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डायलॉग आ रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ कैंसिल कर दीजिए। और ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी तक चल रहा है। ओके, तो अभी ये रिस्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। ओके, तो दोस्तों अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक एक्सटर्नल माउस को यूज करना चाहते हैं तो आप पहले ही एक्सटर्नल माउस को कनेक्ट कर दीजिए इंस्टॉलेशन से पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो USB माउस या फिर USB डिवाइस ये सबको डिटेक्ट कर रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी ये जो इंस्टॉलेशन है ये सक्सेसफुली हो चुका है, अभी ये नॉर्मली बूट होगा विंडोज पर। ओके, दोस्तों अभी ये बूट हो चुका है विंडोज पर, ठीक है। तो इसको नॉर्मली प्राइम ओएस को ऑन करने के लिए आपको शट डाउन करना होगा अपना कंप्यूटर को। ओके, दोस्तों शट डाउन करने के बाद आप फिर से अपना कंप्यूटर जो है उसको ऑन कर लीजिए, या फिर आप अगर रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा अपना बूट ऑप्शन पर। नॉर्मली हर कंप्यूटर पे बूट ऑप्शन एस्केप बटन या फिर F8, F9, F12, F11 इस पर होता है। तो नॉर्मली मेरा जो बूट ऑप्शन है उस वो है F9 पर। नॉर्मली आपका जो बूट ऑप्शन आपका स्क्रीन में नॉर्मली आ जाएगा। तो मैं कंप्यूटर को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद दबाना होगा अपना बूट ऑप्शन का जो की है, मेरा F9 है, मैं F9 दबाता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है पहले विंडोज़ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइम ओएस लोडर है, उसके बाद एंड्रॉयड। नॉर्मली ये जो एंड्रॉयड और प्राइम ओएस ये नॉर्मली सेम है, दोनों ही एक है। तो मैं प्राइम ओएस को इस पर सिलेक्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गर्व का ऑप्शन वो आ गया है और ये नॉर्मली प्राइम ओएस पर बूट होना स्टार्ट हो गया है। ओके दोस्तों, अभी ये बूट होना स्टार्ट हो चुका है। नॉर्मली ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।
ओके दोस्तों, अभी ये प्राइम ओएस पर बूट हो गया है, तो इसको जो इनिशियल सेटिंग है इसको आप दे दीजिए, यहाँ पर एक नाम दे दीजिए, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको दे दीजिए, या फिर नहीं चाहते हो तो कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, टाइम जोन को सिलेक्ट कर लीजिए अपने कंट्री के वाइज। तो दोस्तों ये फुल स्क्रीन पर है, अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर F11 दबाकर इसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अभी प्राइम ओएस पर बूट हो चुका है। ठीक है, इसका जो इंटरफेस है टोटली एकदम फोनिक्स ओएस या फिर कोई विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐप्स है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जो गूगल ऐप्स ये प्री इंस्टॉल्ड है। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा तो वाईफाई काम कर रहा है, अगर आपका काम नहीं किया तो कमेंट में बताइए। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है जो है वो है पबजी मोबाइल के एपीके। नॉर्मली यहाँ पर आप कोई भी एपीके का फाइल या फिर एपीके को यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले अपना जो ईमेल है उसको प्ले स्टोर में लॉगिन कर दीजिए। दोस्तों अगर आपकी इंस्टॉलेशन में कुछ इस तरीके से एरर आया, तो आप ये जो इंस्टॉलेशन है इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो इरेज भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट्स लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर छोटा मोटा अपडेट्स देते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड एंड पीस।